कुछ शब्द अगर आप कहें, कौन से पर्टिकुलर शब्द हैं कोई अगर आपके मन में तो भाई सबको बहुत आदाब नमस्कार एंड वेलकम। मेरे लिए ये बहुत लास्ट मिनट हुआ, जैसे कि नटवर भाई ने कहा कि मैं कल मुझे मिले, किसी वजह से कुछ डिले हो गया था वगैरह, तो और जब मैं उनसे मिला और अमित से मिला तो मैं आई बीन अराउंड फॉर लाइक अभी 40 साल होने आ रहे हैं, यू नो, मुझे अमेज था बिकॉज सुरेश भाई ने मुझे कहा कि मैं जावेद को बचपन से देख रहा हूँ। मेरा रिवर्स होता है, मुझे बुजुर्ग लोग मिलते हैं मुझे कहते हैं सर आपको हम बचपन से देख रहे हैं। सो तो मुझे अच्छा लगा कि सुरेश भाई ने कहा कि किसी ने मुझे बचपन से देखा है। सो बट एक तो ये कॉन्सेप्ट बिकॉज बूगी जैसे आप जानते हैं 96 में इट वॉज द फर्स्ट शो इन द वर्ल्ड नॉट इन इंडिया विच वॉज द फर्स्ट रियलिटी शो, लोगों को पता नहीं है। तो वो हो गया नावेद रवि सब मिलके हमने बड़े मन से किया था, और बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि वो एक ऑर्गेनिक शो था, कुछ लिखा हुआ नहीं था, कुछ बनावट नहीं थी, जैसा हो रहा था। और हमारे लिए जो पार्टिसिपेंट था वो स्टार था, तो हमने ये नहीं सोचा था कि हम किसी को मौका दे रहे, वो हमको मौका दे रहे, हमारा एटीट्यूड वो था और वो आपको स्क्रीन पर दिखता था। और अब जब मैं नटवर भाई से मिला और अमित से मिला, एक हमको झलक में एक कहते ना कि यू फील इट, यू सेंस इट कि ये सही लोग हैं, ये कर लेंगे, इनकी नीयत अच्छी है। नीयत की बात होती है, और मैंने जब देखा कि नटवर भाई ख़ास तौर से एकदम नीयत वॉज ही न्यू कि हमको क्या करना है और किस नीयत से करना है, एंड इट वॉज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अमेरिका में आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरास जो हैं, हमारे जो इंडियंस NRIs हैं और वहाँ पर सेटल हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट, और टैलेंट का तो एकदम मतलब भरा हुआ है वहाँ पे, लेकिन मौका नहीं मिलता जैसे सुरेश भाई ने कहा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, और ये आज जो बिकॉज सिमट गई है दुनिया इंटरनेट के ज़रिए से, और आज एक कहीं अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ बच्चा किसी कैलिफोर्निया में बैठे हुए लड़के से बात कर रहा है, सीख रहा है, एक दूसरे से सीख रहे हैं। इट इज़ सच अ लर्निंग टाइम, और दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, एंड इसमें टैलेंट भी जो है सिमट गया है, तो यू नो कंपैरिजन इमीडिएटली होने लगते हैं कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया ने हम देख रहे हैं कि टैलेंट जो है इतनी स्पीड से ऊपर इंटरनेशनल लेवल पहुंच चुका है। सिंगिंग में तो हम माहिर थे ही, लेकिन डांस में भी आज जो आज का डांस है हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के बच्चे ग्रुप्स इंडिविजुअल्स इतनी तेज़ी से आगे बढ़े हैं, और उनका लेवल और मयार इतना बढ़ चुका है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो शो होगा अमेरिका में और अमेरिकन टैलेंट को हम देख पाए में, और सुरेश भाई ने अच्छा कहा कि स्टैंप लग के जब वापस आता है तो ज़रा वैल्यूएशन बढ़ जाती है उन बच्चों के लिए जो वहाँ से आएंगे, होपफुली यहाँ की मार्केट हमारे यहाँ की टेरिटरी में भी एक्सपैंड कर पाएंगे अपने आप को। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड एंड थैंक यू नटवर भाई एंड अमित, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड जेन्युइनली दिल से आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर शो इंशाल्लाह, सो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन द मैन हिमसेल्फ जावेद जाफरी। सर आपने कहा था शब्द कौन से, आपके शब्द सुनने के बाद मैं शब्द लेस हो चुका हूँ। साधना मैम थैंक यू, आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत ही खुशी की बात है कि इतना बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो और डांसिंग रियलिटी शो जो USA में शूट होने जा रहा है, यूनाइटेड प्रोडक्शन, हमारे नटवर भाई ठक्कर, हमारी इलावेन ठक्कर, और ये जो पूरी कोर टीम है बहुत ज़बरदस्त टीम है, ये अमित भाई पटेल वेरी टैलेंटेड, ही इज़ अ शो क्रिएटर एंड अ डायरेक्टर। सो आप सोच सकते हैं कि कितना ये शो का कॉन्सेप्ट है वो कितना खिल के आएगा, और बहुत बड़े स्ट्रेंथ है हमारे किशोर भाई और राजेश भाई, तो ऐसी टीम है, इनके साथ ये जो बड़े दिग्गज है हमारे सुरेश वाड़कर जी, पद्मश्री सुरेश वाड़कर जी, महागुरु मेरे बड़े भाई, और अभी उनको लता मंगेशकर अवार्ड मिला, तो मतलब सबसे बड़ा अवार्ड उनको मिला है ऐसा मुझे लगता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और दिग्गज जैसे जावेद जाफरी जी और पूजा जी जैसे टैलेंटेड खूबसूरत एक्ट्रेस, जेमी जी, जॉनी भाई तो मतलब हमारे बड़े भाई हैं, वो मैं हमको वो कहते हैं जॉनी दीदी, वो मुझे कहते थे जॉनी दीदी कहो मुझे, शी इज़ वेरी टैलेंटेड जेमी जी, और चैंग भी हैं हमारे साथ, तो ऐसी ये टीम है। और सात समंदर पार ये शो होने जा रहा है, और वहाँ की जो टैलेंट है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उनके लिए होगा, जो इंडिया में भी मतलब आजकल कहीं भी कुछ हो जाता है इतना फट से वायरल हो जाता है, तो आई एम श्योर कि इस शो की सक्सेस भी ऐसी वायरल होगी, और आई विश
ऑल द बेस्ट टू मतलब ऑल ऑफ अस, और आपकी सबकी दुआएं चाहिए, सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हो, तो आई एम श्योर कि ये शो बहुत ज़बरदस्त रहेगा. नटवर भाई थैंक यू वेरी मच. बहुत मैं बोलना एक और चीज़ भूल गया था. सबसे पहले मैंने जब मुझे मिला, मैंने बोला लोग कौन से जुड़े हुए हैं, तो जब मैंने नाम देखा कि सुरेश जी हैं, साधना जी हैं, पूजा का नाम था, एंड आई जस्ट फेल्ट कि ये एक सही डायरेक्शन, सही लोग जुड़े हुए हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वालिफिकेशंस क्या हैं जो लोग जज कर रहे हैं, कि उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. फिर जेमी का मैंने देखा भाई, इतने सुपर सुपर टैलेंटेड गर्ल, मतलब जॉनी भाई मतलब एक्चुअली बड़े भाई हैं, बट आई एम सो प्राउड ऑफ हर एंड शी इज़ फैंटास्टिक. चैंग ऑल्सो इज़ फैंटास्टिक, और स्पेशली राजेश भाई एंड किशोर भाई थैंक यू, बिकॉज नॉर्मली लोग अप्रिहेंसिव होते हैं एंड फंड जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, यू नो, बिकॉज जो उन्होंने कहा, सुरेश भाई ने कहा नोट, ऑफ कोर्स नोट और वोट दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम इन पावर, सो थैंक यू फॉर द पावर यू आर गिविंग द शो. थैंक यू, थैंक यू. बाखूबी ये जो लाइन है, नोट और वोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वेरी वेल सेड. कमिंग टू पूजा जी. पूजा जी हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और जब बूगी वूगी हो रहा था तो जावेद जी ने मुझे बुलाया था दो बार, डू यू रिमेम्बर? सो आई केम एज अ गेस्ट ऑन द शो एंड आई यूज टू लव बूगी वूगी एंड आई एम सो ग्रेटफुल. मुझे लगा अमेरिका जाने के बाद इंडिया मुझे भूल गया है, कुछ तो फ़ायदा हुआ मेरे 21 साल अमेरिका में रहने का कि मैं नटवर जी को मिली और इला बहन को मिली, और इन्होंने मुझे ये शो प्रपोज़ किया था. मुझे लगा ओके वन ऑफ दोज यू नो टॉक द टॉक, बट लेट्स सी इफ दे वॉक द वॉक, एंड हियर दे आर विद अ फैबुलस टीम विद अमित, हु आई रियली रियली एम प्राउड ऑफ. आई मेट हिम एंड आई न्यू ही हैड द गट्स टू डू दिस शो, एंड देन व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट द टीम, लाइक जावेद जी वाज सेइंग व्हेन Jamie was involved, Javed ji, they said they are going to go talk to him. When Sadhana ji was there, when Suresh ji was there, I knew this was a solid pillar foundation for a fabulous reality show. So reality shows jo hote hain wo bahut transformative hote hain kisi bhi contestant ke liye, जिसको अपना टैलेंट दिखाना होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो वो अपना शोकेस कर सकते हैं. तो ये जो रियलिटी शो है, जो पूरा इसका प्रेमिस है कि दे वांट टू शोकेस द टैलेंट इन द यूएसए ऑफ द इंडियन डायस्पोरा व्हिच हैज़ नेवर बीन डन बिफोर, आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी अ जज. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ जज ऑन अ रियलिटी शो. थैंक यू सो मच. सो विदाउट मच अडू आई विल पास दिस ऑन टू आवर होस्ट एंड थैंक यू पूजा जी. बट आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर दिस होस्ट टू हैंड ओवर द माइक टू दिस होस्ट टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट द यू नो द The grand show that you're going to host. So, gem of a person, Jamie के लिए ज़ोरदार तालियाँ हो जाए. Judges आप देख ही रहे हैं, जावेद सर हैं जो ट्रेंड सेटर हैं. उस टाइम पे जब कोई और रियलिटी शो नहीं था, मैंने बचपन से देखा हुआ है बुगी 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 बुगी, एंड मुझे सिर्फ पहले शब्द यही होते थे बू, टीवी चालू करो बू, हमको वो देखना है. तो यू नो वी हैव जावेद सर, मुझे कॉमेडी विरासत में मिली है, लेकिन हमको पूजा जी विरासत में मिली थी तो है ना. तो पूजा जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ उस फिल्म से लेकर, एंड साधना जी की प्यारी आवाज़ सात सहेलियां. एंड देन सुरेश जी को आई नो फ्रॉम हिज फर्स्ट, जो फर्स्ट सॉन्ग मुझे सुरेश जी का जो एकदम इट हिट मी वाज छोड़ आए हम, यू नो, एंड दैट वो मुझे हमेशा याद है. इनकी था सात सहेलियां विधाता, आई रिमेम्बर. तो या सात सहेलियां वाज या पहला नशा एंड सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो साधना जी ने गाए. मुझे तो बहुत नर्वसनेस हो रही है क्योंकि आप मुझे मत जज कर देना बस, हाँ वहाँ पर बट हाँ मुझे. एंड देन ऑब्वियसली सुरेश सर लेजेंडरी सिंगर हैं, ही इज़ जस्ट सच अ सीनियर आर्टिस्ट. तो इतने बड़े दिग्गज लोगों के बीच हम रहेंगे, थोड़ी बहुत होस्टिंग करेंगे और इस शो को बस एक लाइव एक एनर्जी दे देंगे. तो बस पूरी मेहनत करेंगे मैं और चैंग, हम दोनों आज आई थिंक चैंग इज़ जस्ट ऑन हिज वे, बट यस हम चाइना
सर कह रहे चाइना से आ रहा है. बट हाँ, हम सुपर सुपर एक्साइटेड हैं. थैंक यू अमित, ही इज़ गोइंग टू बी, आई एम श्योर वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप बहुत ही बढ़िया शो प्रेजेंट करने वाले हैं. एंड नटवर सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? थैंक यू. सही है, ओके. मैंने अभी इसका अनवाइलिंग देखा, प्रीव्यू देखा. सबसे पहले तो ये बता दूं कि इतना फॉर्मेटेबल सेटअप, शो के चार पिलर्स होते हैं. एक जूरी होता है, एक आपका टैलेंट है, टैलेंट पूल जो है वो होता है, लोकेशन होती है, और चौथा जो है वो फॉर्मेट होता है. और ये चारों पिलर्स को इतना मजबूत खड़ा किया है सुरेश वाडेकर जी को. मतलब कुछ नाम बहुत बहुत कम बार होता है कि आप जिन कुछ शख्सियतों के साथ, कुछ पर्सनालिटीज़ के साथ बचपन से बड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ के साथ, उनकी पर्सनालिटीज़ के साथ आप बचपन से आप जवान हुए हैं, उनके साथ आपको इस तरह का एक फॉर्मेटेबल सेटअप देखने को मिलता है. सुरेश वाडेकर जी, मुझे याद है 1977 में शायद उनका पहला गाना एक आया था, सीने में जलन, आई थिंक फिल्म वाज अ मूवी कॉल्ड गमन. साधना सरगम जी 4 साल से गा रही हैं. डांसिंग की दुनिया में पहला रियलिटी शो इस्टेब्लिश करने वाले बुगी वुगी के क्रिएटर जावेद जाफरी जी, और एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कमाल की अदाकारा अभिनेत्री पूजा बत्रा जी, इन्होंने बहुत ही फॉर्मेटेबल सेटअप क्रिएट किया है. यूएस में हो रहा है, ये बहुत बड़ी यूएसपी है. जैसे कहते हैं कि टैलेंट पूल वहाँ पे है, लेकिन इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी दिल हिंदुस्तानी, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए था. बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है. आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई होप कि इनका ब्रॉडकास्ट इंडिया में भी हो. इनके पास ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर यूएस में तो होगा ही, आई एम श्योर, लेकिन एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर इंडिया में भी आए. लुकिंग फॉरवर्ड, कांट वेट टू सी द होल फॉर्मेट विद ऑल द आइकॉन्स दैट वी हैव ग्रोन अप विद. थैंक यू. थैंक्स. ये ऑडिशन स्टार्ट हो जाएगा 25 मार्च के बाद, और हमारा शूट होगा जुलाई एंड अगस्त. जुलाई अगस्त हमने इसके लिए सिलेक्ट किया है कि यूएसए में वैकेशन टाइम होता है बच्चों का, फ्रॉम 15 मई टू 31 अगस्त तक. तो जुलाई एंड अगस्त हमारा शूट होगा, उसके पहले ऑडिशन वगैरह सब होगा. तो ये स्केड्यूल हमने किया. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. पिछली बार मैं और मेरे डैड हम लोग 2017 में गए थे यूएस टूर करने कॉमेडी शोज़ के लिए. उसके बाद फिर कोविड हुआ था, तो हमारा ट्रैवल सारे प्लान्स हिल गए. तो इस बार फिर से जाना होगा, एंड दिस इज़ फॉर अ टीवी शो. तो बहुत ज़्यादा खुशी है. एंड आई फील लाइक जब इंडिया से दूर लोग जाते हैं तो वो अपने लोगों को, अपने कल्चर को इतना ज़्यादा मिस करते हैं. तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए वो हमारे अपने घरों में लगातार सुबह से रात तक गाने बजाते हैं या इंडियन शोज़ देखते हैं. तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं जो यूएसए में बेस्ड हैं, और उनको ऐसे ऐसे गाने पता है जो हमको भी नहीं पता, यू नो, क्योंकि वो रियली अपने कल्चर को मिस करते हैं. तो इस तरह का शो हम जो लेकर जा रहे हैं वहाँ पर अपने इंडियन लोगों के लिए, ये बहुत ही उनके लिए एक्साइटिंग चीज़ होगी कि फाइनली वो अपने टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पर, मीडिया के सामने, टीवी पर ला सकते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी कि अमित सर और नटवर सर ने मुझे कि सोचा कि मैं इसको होस्ट करूँ. सो या, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट विद चैंग ऑफ कोर्स. We need your wishes. We need your good wishes. Yes. I am very excited, obviously, because एक नई टीम है. जो भी इस टीम में है, आप हैं नटवर जी, अमित योद्धा, पूजा, everybody else, सुरेश जी, ये पूरी टीम नई है मेरे लिए.
सो मुझे लगता है कि बड़ा मज़ा आने वाला है. जिमी के साथ जो हम करेंगे वहाँ पर वो बड़ा मज़ा आएगा. बहुत सारे अभी हमें प्लानिंग करनी है उसके बारे में. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑफ होने का, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि ओवर द ईयर्स जब आप सारे रियलिटी शोज फॉलो करते हो, चाहे वो इंडियन रियलिटी शोज हो या बाहर के रियलिटी शोज हो, हमने देखा हम बड़े एक्साइटेड हो जाते थे जब अमेरिकन आइडल फॉर एग्जांपल उसमें कोई इंडियन आ जाता था. yes. और मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे ऐसे वहाँ पर होंगे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है और वहाँ पर इंग्लिश बेस्ड है तो वो कर नहीं सकते. आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम टू कम इन, जिनको वो सारे गाने गाने हैं जो एज जेमी सेड वो हर रोज़ सुनते हैं, हर रोज़ गाते हैं, हमें बुलाते हैं गाने के लिए वो सारे गाने, तो उनके लिए ये बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी भी है एंड फॉर अस टू मीट देम एंड हैव एन एंटायर कल्चरल एक्सचेंज आईज वर्सेस एनआरआईज. बड़ा मजा आएगा. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू.